बोगो के साथ होगी फुल ऑन मस्ती सिर्फ बोगो यूट्यूब चैनल पर। लाइफ में कभी कभी सबको प्राइवेसी चाहिए। मेरे पास यहाँ दो रिक्वेस्ट आई हैं, एक आभास से और एक पलक मैडम से। आभास के लिए एक पोस्टर बनाना है विच सेज डू नॉट एंटर, और पलक के लिए नो बॉयज अलाउड एक्सेप्ट अभिषेक। ठीक है, तो इनके लिए पोस्टर बनाते हैं। पर इस पोस्टर की खास बात ये होगी कि इसमें जो अल्फाबेट्स और इमेजेस मैं यूज़ करूँगा उसको देख के ही लोगों को पता चल जाएगा कि इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो बनाते हैं अपना पोस्टर। इसके लिए आपको चाहिए कुछ पुरानी मैगजीन्स, एक राउंड टिप सेफ्टी सीजर, कुछ ग्लू और कुछ स्केच पेन। सबसे पहले लेते हैं एक मैगजीन और इसमें से कुछ अल्फाबेट्स ढूंढते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है कि आपका अल्फाबेट आपके पोस्टर या मैसेज से सिमिलर होना चाहिए। जैसे ये ओ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसको ओ को काट लेते हैं। तो हमारे डू नॉट एंटर के लिए ओ हमारे पास आ गया है। अब बाकी सारे अल्फाबेट्स भी ढूंढते हैं। जैसे हमारा मैसेज यहाँ पे काफ़ी बोल्ड और क्लियर है कि डू नॉट एंटर, तो इसलिए हम फॉन्ट्स भी और अल्फाबेट्स भी वैसे ही यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी ब्राइट हैं और काफ़ी बोल्ड हैं। पोस्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग और रफ लुक देने के लिए हम उसको हाथ से भी फाड़ सकते हैं, यानी टेयर कर सकते हैं इस तरह से। जहाँ पे हमने एक आदमी का इमेज कट किया है जो कि चिल्ला रहा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स कट किए हैं और हम उन्हें प्लेस करके देखते हैं यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा कि ये हमारा मैसेज एकदम लोगों तक पहुँचा रहे। इसी तरह आप छोटी छोटी डिटेलिंग कर सकते हैं। और देखते हैं और कुछ इमेजेस और अल्फाबेट्स। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पुरानी मैगजीन्स लें, नए मैगजीन्स को ख़राब ना करें। तो अब देखते हैं, ये बेसिकली एक कोलाज टेक्निक है। इसमें आप इमेजेस प्लेस कर करके देख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग रही है, कहाँ पर उसको लगाना है। जैसे ये फेस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा अगर ऐसे प्लेस करेंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे इमेजेस और अल्फाबेट्स पहले से कट करके रखे हैं, तो अपना पोस्टर बनाने के लिए मैं इनमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ इन्हें चिपका नहीं रहा हूँ, वो इसीलिए ताकि अपना बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकें। यहाँ मैं इसके लिए की होल बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक शीट को एक की होल के शेप में कट किया, फिर फोल्ड करके उसमें से एक और सर्कल निकाल दिया। और इस तरह से आप पेपर की स्ट्रिप्स काट के अपने मैसेज का एक बॉर्डर दे सकते हैं ताकि मैसेज क्लियर रहे, क्योंकि कई बार इमेजेस लगाने की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। चाहे तो आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। और जब आप पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली है कि आप जिसके लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखें। जैसे मैं आभास के लिए बना रहा हूँ, तो आभास को म्यूज़िक पसंद है, इज़ लाइक अ रॉक स्टार। तो हमने यहाँ पे ऐसे इमेजेस यूज़ करें जिसमें एक आदमी गिटार बजा रहा है, या देयर इज़ एन ईगल, या देयर आर मोर मीन फेसेस, और एक फाइनल टच, एक सरप्राइज़ है मेरे पास। अब ये क्योंकि आभास का पोस्टर है इसलिए आभास की इमेज डाल देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। लगता है ना आभास एकदम रॉकस्टार गोविंदा स्टाइल में, तो लगा देते हैं इसको इसके रॉकस्टार फ्रेंड के साथ। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से चिपका देते हैं। स्टिक करते वक्त आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि आप अपने बाकी अल्फाबेट से इमेजेस को हिलाएं नहीं और ज़्यादा ग्लू भी नहीं लगाएं, नहीं तो वो मैसी भी हो जाता है। तो आभास का पोस्टर हो गया है रेडी। और इसी तरह मैंने पलक का भी पोस्टर बनाया, दिखाता हूँ। तो यह है पलक का पोस्टर। अब पलक को इतनी सारी चीज़ें पसंद हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज, फ्लावर्स, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभिषेक बच्चन। कोलाज पोस्टर बनाने के लिए पुरानी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में से अपने सिलेक्टेड अल्फाबेट्स और इमेजेस को काटिए, उन्हें एक कलर चार्ट के ऊपर प्लेस कीजिए और लेआउट फाइनल होने के बाद उसे चिपका दीजिए और हो जाएगा आपका पोस्टर तैयार। और ज्यादा फन के लिए करो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्रेस करो बेल आइकन।